पिताजी मैं बहुत खौफजदा हूँ। उस नागिन ने शाहजी को भी अपने रास्ते से हटा दिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा हमारा? आरफा, अब हमें बहुत ध्यान से रहना होगा। जो नागिन शाहजी को निगल गई, ना जाने हमारे साथ क्या सलूक करे। पहले तो हम शाहजी की वजह से महफूज थे। वैसे अजीब सी बात है कि शाहजी खुद को नागिन से नहीं बचा सके। बड़ा अजीब सा इल्म था उनके पास। आरफा, देखो शाहजी के दम कदम से हमारी जिंदगियां महफूज थीं। वैसे बजी अजीब सी परेशानी है, एक तरफ शाहजी की मौत और दूसरी तरफ सलमान की दूसरी शादी की जिद। बंदा करे तो क्या करे। दाजी, अगर सलमान ने दूसरी शादी कर ली तो मेरी महक तो रो रो मर जाएगी। तुम फिक्र ना करो आरफा, मैं फिर से सलमान से बात करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मान जाएगा और दूसरी शादी का इरादा तर्क कर देगा। महक, महक आप रो क्यों रही हैं? उसका सलमान क्या? सलमान मैंने क्या कहा? सलमान दूसरी शादी कर रहा है। दूसरी शादी? मगर क्यों? सलमान को बच्चा चाहिए, वो औलाद के लिए दूसरी शादी कर रहा है, उस पे सोतल लाना चाह रहा है। उस खान, अगर सलमान ने ऐसा किया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। खुद को संभालें, अपने आप को हल्का मत करें। आई एम श्योर ऐसा कुछ नहीं होगा। सलमान भाई ने गुस्से में बोला होगा, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। चलो बेगम, आज हवेली वालों के सामने चलते हैं। लेकिन सलमान साहब, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बीवी हो तुम। चलो।
तुमने शादी कर ली सलमान? शादी कर ली सलमान? हाँ कर ली, और ये मेरी बेगम सनम जहां। तुम्हें क्या नजर आया इस बूढ़ी में? लोग सदमे से पागल होते हैं, पर तुम तो अंधी हो गई। ये इतनी खूबसूरत और हसीन लड़की, ये तुम्हें बूढ़ी दिखाई देती? ऐसा नहीं कर सकते, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दादी, डैड, देखिए, सलमान, सलमान ने सनम जहां से शादी कर ली। सलमान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सलमान, तुम्हें एक बूढ़ी औरत ही मिली थी घर बसाने को। बेगैरत घटिया आदमी, तुम्हें एक बूढ़ी नौकरानी से शादी करते हुए शर्म नहीं आई? ठीक है, और मैं समझ रहा था कि इस घर में सिर्फ मैं ही कंधी है। अरे इतनी खूबरू और जवान लड़की को बूढ़ी कहकर उसकी तजलील मत कीजिए दाजी। कमीने नमक हराम इंसान हो तुम, सारी जिंदगी हमारे टुकड़ों पे पलते रहे, और जैसे ही तुम्हें मौका मिला हमारी कमर में छुरा घोंप दिया। सनम जहां, मरने के लिए तैयार हो जाओ। दाजी, दाजी क्या कर रहे हैं आप? दाजी, दाजी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये तो सलमान साहब ने। तुम्हारी सजा मौत है, सिर्फ मौत। दादी, सनम जहां, सनम जहां जी, घबरा क्यों गई? किन ख्यालों में गुम हो? जी मैं कुछ नहीं, आशा बीबी, वो असल में बच्चों की याद आ रही थी। ऐसा हो गया सनम जहां, तुमने आज तक हमारी बहुत मदद की है, तुम्हें आगे भी हमारी मदद करनी है। कुछ बताएंगे तो सही, आखिर हुआ क्या है? हुआ नहीं, होने वाला है। सलमान दूसरी शादी करने वाला है। दूसरी शादी? अच्छा, मगर किससे? कोई भी हो, लेकिन हमारा मसला सिर्फ सलमान को दूसरी शादी से रोकना है। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है, अब देखना ये नागिन तुम्हें बर्बाद कैसे करती है। कुछ तो बोलो सनम जहां, कैसे रोके सलमान को? बीबी जी, वो जहां तक मैं सलमान साहब को जानती हूँ, उन्हें जिस काम से रोका जाए ना, वो उस काम को करके रहते हैं। तुम कहना चाहती हो कि सलमान को दूसरी शादी की इजाजत दे दें? जी हाँ, मेरा मतलब है आप इजाजत देकर तो देखें, सलमान साहब दूसरी शादी नहीं करेंगे। और अगर कर ली तो? आता दीदी,
सलमान साहब को ये घर, दौलत, गाड़ी सब कुछ तो महक बीबी की बदौलत मिला है, तो वो भला अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मार सकते हैं? ठीक है, मैं करती हूँ बात सलमान से। तुम एक अहमक औरत हो, ये मैं जानती हूँ। खुद अपने दामाद को दूसरी शादी की इजाज़त दोगी, मेरे लिए इससे बड़ा इंतकाम और क्या होगा भला? लेकिन महक, वो लड़की है कौन जिसे सलमान भाई निकाह कर रहे हैं? तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर अगर सलमान ने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी उसका। हौसला करें, खुद को संभालें, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सलमान भाई को दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। अगर सलमान मुझ पे सौतन ले आए तो मैं उसे जान से मार दूंगी। क्या तुम दोनों को पता है? शाजी को किसी सांप ने डसकर मार दिया है। मालूम है, क्योंकि शाजी का मरना बहुत जरूरी हो गया था। मुस्कान, तुम्हें कोई हैरानगी नहीं हुई? इस वक्त जो सदमा सलमान भाई ने दिया, उसके आगे शाजी की मौत बहुत छोटी लग रही। जिया, कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान? हाँ सलमान, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, तुम दूसरी शादी कर लो। कर लूँ? हैरत की बात है कि आपको कोई एतराज नहीं? मुझे वाकई कोई एतराज नहीं, तुम जब चाहो दूसरी शादी कर सकते हो। ठीक है मुझे। ये अम्मी जान को अचानक मेरे पे कैसे तरस आ गया? सलमान, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? खुशियाँ मना रहा हूँ मैं। मतलब ये महक कि तुम्हारी अम्मी जान ने मुझे दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दी है। हरगिज नहीं, अम्मी जान कभी ये नहीं कह सकती। तो इसका मतलब महक कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है। ठीक है, तुम अंदर जाके अपनी अम्मी से पूछ लो, मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी। जाओ। अम्मी जान, सलमान से आपने कहा है कि आपको उसकी दूसरी शादी पर कोई एतराज नहीं? हाँ कहा है मैंने। आप मेरी माँ हैं या मेरी दुश्मन? क्यों अपने हाथों से मेरा घर उजाड़ना चाहती हैं आप? देखो महक, सलमान की ये आदत है कि उसे जिस काम से रोका जाए वो जरूर करता है। ये आपसे किसने कह दिया अम्मी जान? बस मेरा अंदाजा है। और अगर उसने आपकी बात पर अमल कर लिया तो? तुम यकीन रखो महक, ऐसा वो हरगिज़ नहीं करेगा। सलमान जी, आप यहाँ? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये क्या है? शादी का जोड़ा है सनम जहाँ, मुझसे निकाह के वक्त तुम ये जोड़ा पहनोगी। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। अपनी शान में ऐसी गुस्ताखी मत करो, तुमसे हसीन थोड़ी ना एक। अच्छा, तुम्हें पता है आज हवेली में एक बहुत ही अजीब बात हो गई। वो क्या?
अम्मी जान मेरे पास आए और मुझसे कहने लगी कि मेरा जहाँ जी चाहे मैं वहाँ निकाह कर लूँ। वाकई ऐसा कहा आरफा बीबी ने? हाँ सनम जहाँ, मैं भी काफ़ी परेशान हूँ कि एक माँ अपने हाथों से अपनी बेटी का घर कैसे बर्बाद कर सकती है। गधे इंसान, ये बात मैंने ही आरफा के कानों में डाली थी। अच्छा सुनो, तुम जल्दी से तैयार हो जा और जैसे मैं कॉल करूँ ये जोड़ा पहन के तुम मदर आ जाना, हम आज ही निकाह करने वाले हैं। आज ही? अरे हाँ सनम जहाँ, भूल गई वो कहावत, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और वैसे भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरी कॉल का इंतजार करना, ठीक है? कितना उतावला हो रहा है अपनी मौत को गले लगाने के लिए। आज मैं सलमान से शादी करके अपनी ताकत मुस्कान के बराबर कर लूंगी, तो मुस्कान के सामने इन हवेली वालों को तड़पा तड़पा के मारूंगी। सलमान किससे शादी कर रहा है, कौन है, क्या इसमें भी सनम जहान के कोई चाल तो नहीं? मुझे मालूम करना होगा। और तुम्हें ऐसा करने का मशवरा किसने दिया कि सलमान को आजाद छोड़ दो? किसी ने नहीं, बस मेरे दिल ने कहा कि ऐसा करने से सलमान अपना इरादा बदल देगा। बेवकूफी की भी कोई हद होती है आरफा, जब एक सास अपने दामाद से खुद कहेगी कि दूसरी शादी कर लो तो वो नहीं करेगा क्या? हाँ नहीं करेगा। हमारा दिमाग घूम गया है, वो जो थोड़ा बहुत प्रेशर था ना उसके ऊपर वो भी तुमने खत्म कर दिया, अब वो बगैर किसी खौफ के धड़ल्ले से दूसरी शादी कर लेगा और हम लोग उसका कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बेबस और मजबूर हूं, अपने सामने अपनी आंखों से अपना घर उजड़ता हुआ देख रही हूं, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती। महक, अगर आप मुझे उसका नाम बता सकें जिससे सलमान भाई शादी कर रहे हैं तो शायद मैं कुछ कर सकूं। ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो कौन है। उसका सलमान की अलमारी से अंदर से मुझे सरदर्द के टैबलेट्स ला दो, सर दर्द से फटा जा रहा है। ठीक है मैं अभी लेके आऊं। इसका मतलब सलमान पहले से शादीशुदा है और उसकी बीवी का नाम बचिया सलमान। मुस्कान जी कहाँ रह गई? प्लीज जल्दी ला दो टैबलेट्स। आई आज रात को निकाह करने वाला हूं। प्लीज सलमान, तुमने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी। औरत अगर बांझ हो महक तो उसे मर ही जाना चाहिए, और तुम
जब तुम्हें नजर आ रहा है कि मियां बीवी बहस कर रहे हैं तो यहां खड़े मुंह क्यों देख रही हो मेरा? बाजा काम करो अपना। सलमान, मैं तुझे ये शादी नहीं करने दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे मालूम करना होगा कि वो लड़की कौन है जिससे वो शादी कर रहा है। सलमान जहां, तुम इस वक्त यहां क्या कर रही हो? सलमान साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जा क्या रहे हैं? और कितना जानना चाहती हो तुम सनम जहां? जो जोड़ा मैंने तुम्हें दिया था ना, बस उसको पहन के आ जाना जब मैं कॉल करूं। अब जाओ। फिर क्या होगा सनम जहां? फिर हमारा निकाह होगा सबके सामने, ठीक है? आज ही? अरे हाँ बाबा, आज ही, भूल गई सब। कल करे सो आज, आज करे सो अब। याद आया? मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा। ओ, कर लो यकीन, खुदा का वास्ता है, कर लो यकीन और जाओ। अब जाके तैयार हो जाओ। सलमान, लेकिन बेचारी महक पे क्या गुजरेगी? तुम सनम जहां ही हो ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे भाड़ में जाए महक। सनम जहां, मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है, समझे तुम? और ये बात मैं महक ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेरा नाम बताया आपने? नहीं, तुम्हारा नाम मैं नहीं बताया मैंने। जब निकाह होगा वो सबके सामने देख लेगी। और देखो प्लीज, अब जाओ, जल्दी से तैयार होके आ जाओ, जाओ। अरे कोई देख लेगा, कयामत बर्पा हो जाएगी निकाह से पहले। जाओ सनम जहां। सनम जहां, तूने बहुत अच्छी चाल चली, लेकिन मैं तेरी ये चाल कामयाब होने नहीं दूंगी। आज मैं एक इंसान से शादी करके अपनी ताकत मुस्कान के बराबर कर लूंगी। तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। कौन सा ख्वाब? महक की सौतन बनने का ख्वाब। तुम्हें किसने बताया? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम एक बेवकूफ नागिन। खबरदार जो मुझे बेवकूफ कहा तो। तब क्यों रही हो? मैं तो यही सोच रही थी कि तेरी अगली चाल क्या होगी। अगर मालूम हो गया है तो मेरे रास्ते में आने की कोशिश ना करना, वरना। वरना क्या करेगी तू? एक मुस्कान, मुझे सलमान से शादी करके तेरे जितनी ताकत हासिल करनी है। मैं महक का घर कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी, और मेरे जितनी ताकत तू कभी हासिल नहीं कर सकेगी। अब मैं क्या करूं? मुस्कान मेरी शादी रोकने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन कुछ भी हो जाए आज मैं सलमान से शादी करके रहूंगी। भाजी, सलमान की दीदा दिलेरी बता रही है कि ये जरूर किसी हवाई चीज का असर है। शायद तुम ठीक कहती हो आरफा, मगर अब तो शाहजी भी नहीं रहे जो हमारी मदद करते। अम्मी जान, आप सलमान को घर से क्यों नहीं निकाल देती? नहीं रायान, नहीं,
अगर सलमान को घर से निकाला तो वो महक को तलाक दे देगा। तो आप क्या चाहते हैं कि वो आपकी बेटी की सौतन को हवेली ले आए? आइए मौलवी साहब, आइए बैठिए। ताजी, मैं दूसरा निकाह करने वाला और आप सब लोगों से गुजारिश है कि खामोशी के साथ बैठकर देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि अगर किसी ने भी रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं अभी इसी वक्त महक को तलाक दे दूंगा। नहीं नहीं सलमान बेटा, नहीं, तुम्हारे जो दिल में आए तुम करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। गुड, वेरी गुड, काफी समझदार हो गए हैं आप। आप लोग बैठिए, बस थोड़ी देर में मैं इस हवेली की नई बहू को लेकर आता हूँ। हेलो जी सलमान जी। सरमजहां, मौलवी साहब हवेली में आ चुके हैं, तुम भी आ जाओ। आपने हवेली में किसी को बताया है कि आप किससे शादी कर रहे हैं? सरमजहां, इसमें बताने वाली क्या बात है, जब तुम आओगी सबके सामने तो सबको मालूम पड़ जाएगा। अच्छा ये छोड़ो, मुझे बताओ कितनी देर में हवेली में आओगी? 5 मिनट में। हाँ जल्दी से आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। आज मैं मुस्कान को हरा के ही रहूंगी। सलमान साहब, दुल्हन का नाम क्या है? बस 2 मिनट ठहर जाइए मौलवी साहब, दुल्हन खुद चल के यहां आ रही है, वो आए तो उसी से पूछ लीजिएगा उसका नाम क्या है। और यहाँ बैठे हर शख्स से गुजारिश है कि अगर वो ये मंजर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो चुपचाप अपने अपने कमरों में चले जाएं, क्योंकि कुछ ही देर बाद निकाह की रस्म शुरू हो जाएगी। ये निकाह नहीं हो सकता। कौन हो तुम बेटी? मैं इस धोखेबाज सलमान की बीवी हूं। जा, क्यों आई हूं यहां पर? तुम्हारी असलियत सबको बताने आई हूं। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहां से। या चली जाओ यहां से, वरना। वरना क्या क्या कर लोगे? जान से मार दोगे मुझे? 1 मिनट, क्या ये सच है कि तुम सलमान की बीवी हो? हाँ मैं सलमान की बीवी हूं। सलमान यानी तुमने मुझसे शादी के बाद इससे दूसरी शादी की? नहीं, इसकी पहली बीवी मैं हूं, तुम दूसरी बीवी हो। सलमान साहब, आप अपनी पहली और दूसरी बीवियों के मसले हल कर लें, तीसरा निकाह फिर देखेंगे। सलमान, ये सब कुछ क्या है? ये लड़की क्या कह रही है? अम्मी जान झूठ बोल रही है, झूठी है एक नंबर की। दरअसल ये मेरी कजन है, मुझसे शादी करने की ख्वाहिशमंद थी, मैंने महक से शादी कर ली, वो उस बात का बदला लेने आई है, ये बकवास कर रही है। जी आप खड़ी खड़ी मेरा मुंह का देख रही हो, निकल जाओ यहाँ से। आंटी मैं झूठ नहीं बोल रही, सलमान ने वाकई मुझसे शादी की है। अम्मी जान बात दरअसल यूँ है कि कुछ अर्सा पहले इसके सर पर चोट लग गई थी, उस वजह से इसका जहनी तवाजन बिगड़ गया, अब
कभी इतनी बहकी बहकी बातें करिए, ये तुम्हारा तमाशा अगर खत्म हो गया हो तो दबा लो यहां से। जिया, I said out! नहीं जाऊंगी मैं, कहीं भी नहीं जाऊंगी। जब तक मैं तुम्हारी असलियत ना बता दूं सबको, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हेलो सलमान, मैं कब से तैयार बैठी हूँ, मैं अंदर आ जाऊं? नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में बात करते हैं। क्या मतलब अभी नहीं? अभी नहीं तो कब? देखो इस वक्त हवेली में एक मसला चल रहा है, बाद में बात करते हैं। कुछ भी हो, मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे निकाह करना है। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। इस वक्त हवेली में एक मसला चल रहा है, हम उसे सॉल्व कर लें फिर शादी कर लेंगे, ठीक है? फोन रखो। और तुम यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अगर तुम्हारा तमाशा खत्म हो गया हो जी, तो आउट ऑफ दिस हाउस राइट नाउ। कहाँ जाऊं? हाँ, 2 महीने से किराया नहीं दिया घर का, मालिक मकान ने मुझे निकाल दिया। कहीं भी जाओ, दैट्स नॉट माय हेडेक, लेकिन फिलहाल यहां से दफा हो जाओ तुम। आरफा, इस लड़की की वजह से सलमान ने शादी का इरादा तर्क किया है, इस लड़की को हवेली में रोक लो। सुनो लड़की, अगर तुम्हारे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है तो तुम इस हवेली में रह सकती हो। अरे अम्मी जान, कैसी बात कर रही हैं? ये लड़की मुझ पर इल्जाम लगा रही है और आप उसे इस हवेली में रहने की इजाजत दे रही हैं? नहीं आंटी, मैं इस पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही, मेरे पास प्रूफ है, इसे मुझसे शादी की है। अच्छा, शौहर हूं मैं तुम्हारा, फाइन। अगर मैं तुम्हारा शौहर हूं तो निकालना मत होगा तुम्हारे, लाओ दिखाओ। हाँ निकालना मैं है मेरे पास। ये मेरे पास निकालना मैं। कैसे साबित कर सकते हो कि औरत तुम्हारी बीवी नहीं है? तू इस मसले से दूर रहे, समझा? तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर है कि इस मामले से जितना हो सके तुम उतना दूर रहो। मैं चुप कर जाता हूँ। तुम जैसे घर दामाद जब ऐसी घटिया हरकतों पे उतर आते हैं ना, तो खामोश नहीं रह जाता। ताजी, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि इसको कहीं अपना मुंह बंद कर लिया, इसने एक लफ्ज और बोला तो मैं इसी वक्त मैं आपको तलाक दे दूंगा, तू चुप कर जा। नहीं नहीं रायान बेटा, नहीं नहीं, तुम अब कुछ भी नहीं बोलोगे। अब क्या कहते हो तुम सलमान? कहना क्या है दाजी, अब जब सारी बात खुल गई है तो कहना क्या है? हकीकत यह है जिया बीवी है मेरी,